दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज से 15-16 साल पहले की बात है, मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले ही रहता था, कभी कभी कोई दोस्त वगैरह मिलने आ जाते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले हिस्से पर शीशे के दरवाजे लगे थे, पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि ऐसा करने पर बंदर आसानी से मेरे घर आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोता ना रह जाऊं। इस पर मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तुम जल्दी से जाकर अपने लिए टिफिन भी बना लेना, और हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात के करीब 11:30 बजे हम लोग सो गए। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। मेरी नज़र किचन के दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा कि एक आदमी किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उससे पहले ही किचन का दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी उठ गया होगा। पर अचानक किचन का दरवाज़ा दोबारा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने उसे कहा कि भाई अभी तो 3 भी नहीं बजे और तुम जाकर क्या कर रहे हो। तभी अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो सोया हुआ है। मैं फटाफट उठा और उस लड़के को भी जगाया। वह आंख मलते हुए उठा। मैंने उसको पूछा, क्या तुम 2-3 मिनट पहले जागे थे? तो वह बोला, नहीं तो, और वह फिर से सो गया। डर के मारे मैंने तुरंत सारी लाइट्स ऑन की और किचन और बाथरूम की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, और अगर किसी को बताता तो कोई मेरे रूम में आने की हिम्मत भी नहीं करता। इस घटना को 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका था और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे साथ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोले कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे। तब मुझे ये घटना दोबारा याद आई। मैंने सोचा कि कहीं इन लोगों ने भी उस फ्लैट में उसी आत्मा को तो नहीं देखा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को एक आदमी ने आकर मुझे जगाया और बाद में अचानक किचन में जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला। हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर भगवान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर देखते रहे, पर वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी थोड़ा सा डर गया और उन लोगों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, और किचन में तो कोई नहीं था। गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर गायब थे और टमाटर के कुछ बीज वहीं नीचे गिरे हुए थे, और इसके साथ ही
किचन में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। खैर, यह हम लोगों का वहम था या वाकई में कोई आत्मा हमारे कमरे में आई थी। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, मैंने तुरंत ही उस फ्लैट को छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।